हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में बीबीएम केयू सेमेस्टर 2 बॉटनी माइनर पेपर का सिलेबस बताऊंगी। ये जो सिलेबस जो है ये वीवीयू वाले स्टूडेंट भी इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वीवीयू और बीबीएम केयू का सिलेबस मिलता जुलता है। तो सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या है, तो प्लांट फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी है। ये है आपका सेमेस्टर 2 का सिलेबस। सिलेबस बहुत ही छोटा है, प्लस इस वीडियो में आपको यूनिट 2 का नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगी और यूनिट 1 का टाइम मिलेगा तो मैं दे दूंगी, इजी है वो भी। तो प्लांट डाइवर्सिटी, जिसमें आपको पेट्रिडोफाइट्स पढ़ना है, जिसका जनरल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन पढ़ना है। दो चीज़ का पढ़ना है, सेलेंगिनला और टेरिस का पढ़ना है, पेट्रिस का पढ़ना है। ये दोनों आपको लॉन्ग में पूछेगा एग्जाम में। और जिम्नोस्पर्म, जिसका पढ़ना है आपको जनरल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको पढ़ना है पाइनस का पढ़ना है, और इसका इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी। ये दोनों आपका लॉन्ग का टॉपिक है, पूछेगा तो लॉन्ग में ही पूछेगा। और यूनिट टू जिसमें है प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें आपको पढ़ना है ट्रांसपिरेशन, ये आपका लॉन्ग में पूछेगा। मैकेनिज एंड इट्स सिग्निफिकेंस पढ़ना है। एसेंट ऑफ शेप, जिसमें क्या पढ़ना है, रूट प्रेशर थ्योरी और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ये दो आपको पढ़ना है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपको फोटोफॉस्फोराइजेशन पढ़ना है, C3C4 साइकिल पढ़ना है। रेस्पिरेशन में आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है और TCA साइकिल पढ़ना है। ग्रोथ हार्मोन में ऑक्सिन और गिबरेलिन पढ़ना है। ये सिलेबस में होता है क्या, सिलेबस छोटा है लेकिन एग्ज़ाम में क्या करता है कि 70% क्वेश्चन आपका सिलेबस होगा, लेकिन 30% जो है वो सिलेबस के बहुत डीप पूछा जाता है। क्योंकि इस बार जो बीबीएम केयू का जो एग्ज़ाम हुआ था, स्पेशल बॉटनी का एग्ज़ाम, उसमें देखा गया था कि सिलेबस से बहुत कम क्वेश्चन था, उसके बहुत डीप से पूछा गया था। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उसको, सिलेबस का एनालिसिस कर लीजिएगा प्रीवियस का।